यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। भिवानी पहुंचे नेता और प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने मनोहर सरकार पर नशे के माफिया और अपराधियों को संरक्षण देने का बड़ा आरोप लगाया। अभय ने कहा कि सरकार के इस संरक्षण के चलते ही हरियाणा में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और नशा माफिया युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ के ताश वाले बयान पर भी पलटवार किया है। तो भिवानी पहुंचे थे अभय चौटाला और यहां पर सीधे सरकार की नीतियों को लेकर उन्होंने निशाना तो साधा ही, और जिस तरह से लगातार कृषि मंत्री ओपी धनखड़ को वो अपने शब्दों से आड़े हाथों लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार फिर से उन्होंने ओपी धनखड़ को लेकर बयान दिया है। और जैसा कि पहले भी वो कह चुके हैं कि ढोलकी लेकर विधानसभा में जाएंगे, क्योंकि विधानसभा का मानसून सत्र नज़दीक आ ही चुका है और वहाँ पर जो है पहले ही कहा गया था कि वो ढोलकी लेकर नचाएंगे मंत्रियों को, क्योंकि जिस तरह से जब MSP बढ़ाई गई थी बीजेपी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, तब ओपी धनखड़ नाचते दिखाई दिए थे और उसके बाद ही निशाना साधते हुए नजर आए अभय चौटाला। इस विधानसभा के सत्र के अंदर हम अपनी पार्टी की तरफ से इस नशे के इश्यू को लेकर के काम रोको प्रस्ताव देंगे और हर हालत के अंदर चाहेंगे कि सरकार इसके ऊपर चर्चा कराए और सरकार इसके ऊपर जवाब दे। जहां आज इन सब चीजों की है, वहीं SYL को लेकर के हमने 5 चरणों में, पहले 6 चरणों में लड़ाई लड़ी और अब हमने फैसला किया है कि 18 अगस्त तक अगर कोई सरकार की तरफ से ठोस आश्वासन नहीं आया तो हम हरियाणा बंद करेंगे। तो ये लोगों में एक नई और आदत डालेंगे ताकि लोग काम ना कर सकें। लोग, कोई खेती करने वाला है, कोई छोटा मोटा धंधे करने वाले हैं, उनको ताश देख करके और उसमें बिजी करने का काम करें। ये तो ये मान के चलो किसान को कैसे मारा जाए, इसके लिए हर तरह के धंधे अपनाने का काम करें। कृषि मंत्री का क्या है, कृषि मंत्री को तो जब कभी ओले पड़ते हैं तो नाचने का मन करता है, जब कभी किसान की फसल लूटी जाती है तो फिर ये ढोल पीट करके फिर नाचता है। अब की बार मैंने कहा ढोलकी लेकर के जाऊंगा, हर हालत में ढोलकी लेकर के जाऊंगा और ढोल बजवा के हमारे MLA से कहूँगा कि अब ये ढोल बजा रहे हैं, तू इनके सामने खड़ा होकर के नाच, इस बात पे नाच कि हमने किसान को बर्बाद कर दिया।